हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर कैन डायनेस्टी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक ऐसी मूवी है जिसमें कि हमें मल्टीवर्स का वॉर देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट आया, तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैंग डायनेस्टी कब अनाउंस हुई। सैन डिएगो कॉमिक कॉन तो आप सभी ने देखा होगा, जो कि बहुत ही कमाल का इवेंट रहा जिसमें कि हमें मार्वल ने भर भर के अपडेट दिए। इतने अपडेट कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मैंने सोचा था बस कि हमें चार सीरीज या चार मूवी की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, बट मार्वल ने इतना कुछ रिवील कर दिया जो कि हैरान करने वाला था। पर लिटरली सबसे ज्यादा सरप्राइज तब करा जब मार्वल ने अपने तीनों फेस अनाउंस कर दिए और लास्ट वाले फेस में उन्होंने दो एवेंजर्स मूवी रिलीज करने का फैसला करा। अब एक साल में दो मूवी रिलीज करना बहुत बड़ी बात है। तो चले आज बात करते हैं कि इन दोनों मूवीज की रिलीजिंग डेट तो कंफर्म कर दी थी, टाइटल भी कंफर्म कर दिया था क्या होने वाला है, पर डायरेक्टर कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई थी। तो एवेंजर्स का फिफ्थ पार्ट कंफर्म हो चुका है कि उसका डायरेक्टर कौन करने वाला है या डायरेक्टर कौन होगा। तो आप सभी ने फेज 4 की मूवी देखी होगी शैंग-ची लेजेंड ऑफ द ट्रेंडिंग्स, उनके जो डायरेक्टर थे डस्टिन डेनियल वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले। काफी लोग कहेंगे भाई ये डायरेक्टर क्यों लिया गया, रूसो ब्रदर को ये मौका मिलना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले रूसो ब्रदर ने एक नॉर्मल मूवी को डायरेक्ट करा था विंटर सोल्जर, फिर उसके बाद उन्हें बड़ी मूवी मिली सिविल वॉर जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था, फिर उसके बाद उनको मिली इन्फिनिटी वॉर और उसके बाद मिली एंड गेम। तो ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट करा और हमारे सामने कितनी अच्छी मूवी को प्रेजेंट करा। तो अभी ऐसी डस्टिन डेनियल उन्होंने शैंग-ची को बनाया जो कि फेज 4 में अब तक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी थी और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया। उसी के साथ उनको न्यू प्रोजेक्ट मिला जिसमें कि शैंग-ची 2 मिली, फिर उसके बाद वंडरमैन सीरीज मिली जो कि एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर होने वाला है और डिज्नी प्लस पे ये सीरीज रिलीज होगी। अब उनको फाइनली कैंग डायनेस्टी यानी कि एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करने का मौका मिला है जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि नए नए डायरेक्टर को मौका मिलना चाहिए बड़ी बड़ी लेवल मूवी डायरेक्ट करने का, क्योंकि उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और फैंस के सामने कुछ एक नया प्रेजेंट करेंगे। हर बार रूसो ब्रदर का लेंगे तो भाई टेस्ट हमें एंड गेम वाला ही आएगा। तो एशियन डायरेक्टर को लेने का मतलब है कि कैंग वॉर जो होने वाला है वो कुछ डिफरेंट ही दिखेगा। देन आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, क्या एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए डेनियल अच्छे डायरेक्टर हैं या नहीं, या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट डस्टिन के ऊपर काफी ज्यादा अब प्रेशर हो सकता है क्योंकि उन्हें शैंग-ची 2 को भी डायरेक्ट करना है, वंडर मैन सीरीज को भी डायरेक्ट करना है और सबसे बड़ी बात कि उन्हें सबसे बड़ी लेवल की मूवी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी डायरेक्ट करना है जो कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो 2025 तक तो समझ लो इतने बिजी हो गए कि उनको टाइम भी नहीं होगा। अब पता नहीं वो सब कैसे मैनेज करेंगे और कहीं इसके चक्कर में ये मूवी खराब ना हो जाए कैंग डायनेस्टी, तो मुझे इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा डर है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप स्पाइडरमैन के फैंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।